ताज नगरी में सर्जरी की नई तकनीकों से अपडेट होने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लगभग 600 सर्जन जुटेंगे। 22 से 25 नवंबर तक होटल ग्रैंड इंपीरियल में आयोजित होने जा रही यूपीएससी कॉन के लाइव सर्जरी वर्कशॉप में 35 मरीजों के निःशुल्क ऑपरेशन भी किए जाएंगे। एसएन मेडिकल कॉलेज सर्जरी विभाग और एसोसिएशन ऑफ सर्जन ऑफ आगरा द्वारा आयोजित ये कॉन्फ्रेंस ताज नगरी में 3 दशक बाद फिर से आयोजित की जा रही है। ये आगरा के अंदर दिनांक 23, 24, 25 नवंबर को मेडिकल कॉलेज आगरा एसोसिएशन ऑफ सर्जन ऑफ आगरा और यूपीएससी कॉन के तत्वावधान में मिला के ये एक हम कार्यशाला कर रहे हैं। सर्जिकल एसोसिएशन सोसाइटी की यूपी की कॉन्फ्रेंस आगरा में हो रही है। ये कॉन्फ्रेंस लगभग 25 साल बाद दोबारा से आगरा में हो रही है और ये हमारा सौभाग्य है कि हमें ये काम करने को मिल रहा है। कॉन जो हम नवंबर में कराने जा रहे हैं, इसमें लाइव सर्जरीज के ऑपरेशंस वगैरह दिखाए जाएंगे। इसमें एसएन मेडिकल कॉलेज का सर्जरी डिपार्टमेंट और आगरा के सारे सर्जन्स का जो एसोसिएशन हमारा है, उन सब का एक कम्बाइंड एफर्ट है। इस जो वर्कशॉप में है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एडवांस सर्जरी सिखाई जाएंगी, क्योंकि मेडिकल कॉलेज के छात्र हैं जो रेजिडेंट होते हैं, उनको बेसिक ओपन सर्जरीज भी आनी चाहिए। तो हम लोगों ने इसमें लैप्रोस्कोपी के साथ साथ ओपन सर्जरीज का सिखाने का भी एक रखा हुआ है। ये एक बहुत बहुत बेहतरीन किस्म का आयोजन है। मैं सबसे पहले एक तो इसकी विशेषता बता दूँ, ये 21वीं कॉन्फ्रेंस हुई थी 1995 में और उस समय ये कॉन्फ्रेंस 4 दिग्गज सर्जन्स थे, प्रोफेसर बीडी शर्मा, प्रोफेसर सीके गुप्ता, प्रोफेसर आईपीएलएनस एंड प्रोफेसर विजय मित्तल सर, उन लोगों की अध्यक्षता में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी और आज 23 साल बाद ये कॉन्फ्रेंस हो पा रही है। ये जानकारी आयोजन समिति के सचिव डॉक्टर सुरेंद्र पाठक ने एसएन मेडिकल कॉलेज के सर्जरी विभाग में आयोजित कॉन्फ्रेंस के पोस्टर विमोचन कार्यक्रम में दी। उन्होंने कहा कि कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य युवा डॉक्टरों को सर्जरी की नई विधियों से अवगत कराना है। 22 नवंबर को पीजी मास्टर क्लास और 23 को वरिष्ठ चिकित्सकों द्वारा किए जाने वाले ऑपरेशन का कॉन्फ्रेंस स्थल पर लाइव टेलीकास्ट भी कराया जाएगा, जिसमें सभी प्रकार की हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, नलों की पथरी, गुर्दे की पथरी, ब्रेस्ट कैंसर, बेरिकॉस बेन, लायल्स आदि के ऑपरेशन किए जाएंगे। इस अवसर पर एसएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर जी के अनेजा ने कॉन्फ्रेंस के लिए आयोजन समिति को बधाई दी। 44वीं कॉन्फ्रेंस है जो कि आगरा में हो रही है। लास्ट कॉन्फ्रेंस 95 में हुई थी, तो काफ़ी समय बाद ये आगरा को ये गौरव प्राप्त हुआ है। सबसे पहली कॉन्फ्रेंस कानपुर में हुई थी और ये कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद ये होता है कि हम अपने वडिंग सर्जन्स हैं जो यहाँ से पीजी करके निकल लें, उनको हम बेसिक से एडवांस प्रोसीजर्स सिखा सकें। बेसिक में जैसे ओपन सर्जरीज हैं, एडवांस में लैप्रोस्कोपिक के एडवांस प्रोसीजर्स हैं, वो सारे हम सिखा सकें। जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं उनको अपने सीनियर्स से सीखने को मिलता है, जो सीनियर्स हैं उनको अपने कलीग से सीखने को मिलता है। पेशेंट्स को ये बेनिफिट होता है कि उनकी सारी सर्जरीज जो हैं वो बिना किसी चार्ज के हो जाती है। जो कहा जाता है कि लर्निंग इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, तो इसीलिए कॉन्फ्रेंसेस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी कॉन्फ्रेंस से हम अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। अब क्लासरूम में तो जा नहीं सकते, तो इन कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से ही अपने आप को अपडेट करते हैं। इस अवसर पर आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर जोई सिंगल, प्रोफेसर प्रशांत लवानिया, डॉक्टर रवि पचौरी, एसोसिएशन ऑफ सर्जन आगरा के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सिंगल, डॉक्टर एच एल राजपूत, डॉक्टर अमित श्रीवास्तव, डॉक्टर समीर कुमार, डॉक्टर पुनित श्रीवास्तव, डॉक्टर अनुभव गोयल, डॉक्टर राजेश गुप्ता, डॉक्टर अंकुश गुप्ता, डॉक्टर जे पी एस साक, डॉक्टर अरुण राठौर, डॉक्टर आराधना सिंह, डॉक्टर अतुल गुप्ता, डॉक्टर भावना वर्मा, डॉक्टर संदीप गुप्ता, डॉक्टर अंकुर अग्रवाल, डॉक्टर उद्भव बंसल, डॉक्टर प्रशांत पारिक और डॉक्टर अंकुर बंसल मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज, आगरा।